हेलो दोस्तों, मैं लाई हूँ अरवी के पत्ते का यूपी का फेमस पतौड़, रिकवच या पतरा। इस पकौड़ी को बनाएंगे दो विधि से, एक ऑयल में फ्राई करके और एक थोड़ा सा ऑयल में सॉटे कर। तो पतरा बनाने के लिए हमने अरवी का पत्ता लिया है, इसको अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। पानी में डुबो के अच्छे से धुलें क्योंकि मिट्टी लगी रहती है इसमें। और बीच वाली डंठल है ना, इसको नाइफ से कट कर लेंगे ताकि फोल्ड करने में दिक्कत ना हो और अच्छी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो। कभी भी पत्ते लें तो मीडियम साइज़ के पत्ते लें, ना बहुत ज़्यादा बड़ा लें क्योंकि वो टाइट होता है, और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना लें। तो मीडियम साइज़ के पत्ते लें जैसे मैंने लिया है, और सब कट करके डंठल को मैं तैयार कर ली हूँ। अब इसको साइड में रखूँगी और मसाले तैयार कर लेंगे। इसके लिए साबुत धनिया लेंगे बड़े स्पून से एक स्पून, और एक स्पून जीरा, उसमें से 10 से 11 काली मिर्च है, और हल्दी। इसको साइड में रखेंगे। और लिया हमने हरा मिर्चा 10 से 15 है, और बड़ा सा गांठ लहसुन का जिसको छील ली हूँ, और आम का अचार, चार फाके में आम का अचार ली हूँ, और इसका गुठलियाँ निकाल दूंगी क्योंकि इसमें खट्टा डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अरवी के पत्ते से गले में इचिंग होने लगती है। तो आम के अचार आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे इमली का पल्प भी डाल सकते हैं और लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इन सब को डालने से भी पकौड़ियाँ उतनी ही टेस्टी बनती हैं अगर आपके पास आम का अचार नहीं है तो। सारे मसाले को पीस के इसका पेस्ट तैयार करेंगे, इसलिए इसमें डालेंगे पानी और इसका पेस्ट तैयार करेंगे पीस के। बारिश के मौसम में पत्ते बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इसकी पकौड़ियाँ बहुत चटपटी बनती हैं, और सभी लोग बनाते भी हैं बहुत ज़्यादा इस मौसम में। हमारे मसाले तैयार हो गए हैं, अब बेसन तैयार कर लेते हैं। तो हमने बड़े बाउल से एक बाउल बेसन लिया था, उसमें से थोड़ा सा हमने बचा लिया है, और साथ में लिया है चावल का आटा, जिससे पतौड़ जो बनेगा क्रिस्पी बनेगा। और मसाले से हम आधे मसाले इस बेसन में लेंगे और आधे बचा के रखेंगे क्योंकि दो तरीके से बनाना है मुझे। और चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देंगे एक स्पून सब्जी मसाला और स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। क्योंकि पत्ते के ऊपर लगाना है तो गाढ़ा रहेगा तो ही चिपकेगा, इसलिए इसको गाढ़ा ही घोल हम तैयार करेंगे। देखें, बेसन का घोल तैयार है, बिल्कुल गाढ़ा है। इसको रखेंगे साइड में, और एक पत्ता लेंगे और उसके ऊपर हाथ से बेसन को अच्छे तरीके से लगाएंगे चारों तरफ पत्ते के, ताकि पकौड़ी जब खाया जाए तो बेसन मुंह में आता है ना तो बहुत चटपटा लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो बेसन को अच्छे से मैंने लगा दिया पत्ते के ऊपर, और उसके ऊपर दूसरा पत्ता मैं रखी हूँ, और इस पे भी अच्छे से बेसन मैं लगाऊंगी। अगर आपके पास छोटा पत्ता है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, जैसे मैंने दो पत्ते रखे हैं और उसके ऊपर बेसन लगा दूंगी दोनों पत्ते पे अच्छे से, और इन पत्तों के ऊपर बड़ा पत्ता एक लगाएंगे जिससे छोटे पत्ते बन जाएंगे, और बेसन अच्छे से लगा के इसको फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से। फोल्ड करते टाइम भी अच्छे से बेसन लगाएंगे ताकि वो चिपकता जाए। देखिए, मैंने बेसन लगा दिया है, अब इसको रोल करेंगे और हाथ से दबाते हुए इसको रोल करेंगे ताकि रोल खुले नहीं। आपको इससे मोटा रोल तैयार करना है तो पत्ते और लगा दें। मैंने पतला पतला रोल बनाया है, और दोनों तरफ से इसको बंद करेंगे इसमें बेसन लगा के, और फिंगर से दबा देंगे तो सारे पत्ते बंद हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ बेसन लगाएंगे और फिंगर से इसको पत्तों को दबाएंगे ताकि ये बंद हो जाए, और बीच से जो खुला है उसमें भी बेसन लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। तो हमारा एक रोल तैयार हो गया, ऐसे ही दूसरा रोल तैयार कर लेंगे। देखिए, मैं दो रोल तैयार की हूँ और धागा से बिल्कुल नहीं बांधी हूँ, और बिल्कुल खुलेगा नहीं, तो आप ऐसे रोल तैयार कर सकते हैं। और बचे हुए पत्ते को कट करेंगे जैसे साग कट करते हैं ना वैसे, तो इसको दो हिस्सा कर लेते हैं और इसको फोल्ड करेंगे और नाइफ से इसमें कट लगाएंगे। दोनों पार्ट को एक तरफ रखेंगे और इसको बारीक कट कर लेंगे। साग तैयार है अरवी का, अब इसमें डालेंगे बेसन। तो जो बेसन मैंने बाउल में बचा के रखी थी उसी को डाली हूँ, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं चाहिए। और हाफ स्पून चावल का आटा जिससे क्रिस्पी बने, और बचा हुआ जो मसाला है उसको डाल दूंगी। इसके साथ मैं डालूंगी हाफ स्पून सब्जी मसाला,
और स्वाद अनुसार नमक, सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला, बेसन और पत्ता अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे हाथ से मसल के इसको तैयार करेंगे, बिल्कुल प्याज की पकौड़ी जैसे तैयारी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कांदे की। और इसको गोल गोल लेके और इसको डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं, तो पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत चटपटी भी लगती हैं और क्रंची भी लगती हैं और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। जैसे प्याज की पकौड़ी बनाते हैं ना, वैसे बना लेंगे ऐसे करके। लेकिन हमको बनाना है दूसरे तरीके से, इसके लिए हमने लिया एक गिलास और गिलास में लगा देंगे ऑयल, अच्छे से ग्रीस कर देंगे। पकौड़े का जो डो है उसको इसमें फील करेंगे और फिंगर से अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि वो गोल हो जाए, मतलब गिलास का शेप ले ले। और इसको पूरा फूल नहीं करेंगे गिलास को, फिंगर का जो एक पोर होता है ना, इतना कम रखेंगे। देखें गिलास में हमने कम रखा है, इतना कम रखें हमेशा बनाते टाइम। अब आगे की तैयारी करते हैं। एक बड़ा सा भगोना रखेंगे गैस के ऊपर, इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी। पानी बहुत ज़्यादा ना डालें और डायरेक्ट गिलास को रखेंगे पानी के अंदर। देखें ये गिलास से मतलब हाफ गिलास से नीचे पानी है और जाली रख के उसके ऊपर दोनों जो हम रोल बनाए हैं पत्ते का उसको रख देंगे और गिलास को ढक देंगे और ऊपर वाले रोल को भी बड़े से थाली से ढकेंगे और कोई भी भारी वजन वाली चीज़ इसके ऊपर रख देंगे ताकि भाप बाहर ना निकले। 10 मिनट में ये स्टीम हो जाएगा। आप देखें तो 10 मिनट हो चुके हैं, मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से ये बॉयल हो गया है यानी स्टीम हो गया है। फॉक से चेक करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल बेसन नहीं लग रहा है इसमें, यानी कि अच्छे से स्टीम हुआ है और ग्लास का तो स्टीम हो ही गया होगा। देखिए केक की तरह फट गया है। इसको ठंडा होने के बाद इसमें से निकालेंगे ताकि वो अच्छे से निकल जाए। तो 10 मिनट के लिए उसको ढक के रखेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तब तक एक रोल को कट करके मैं दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और कितना अच्छे से स्टीम हुआ है। तो चलते हैं, इसको कट करते हैं पतले पतले स्लाइस में। देखें बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है और बेसन भी अच्छे से लगे हुए हैं। तो इसको थाली में रखेंगे और ग्लास में जो रखी थी पकौड़ी का बैटर उसको निकालेंगे क्योंकि वो भी ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने के बाद ही निकालें, तो मैं ढक के रखी थी। थोड़ा सा नाइफ से इसको साइड साइड छुड़ा दूंगी ताकि गिलास से आसानी से बाहर निकल जाए। देखिए बिल्कुल केक की तरह तैयार हुआ है और उतना ही स्पंजी है। इसको पतले पतले स्लाइस में कट करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बिना ऑयल में, सॉटे किए हुए बहुत टेस्टी लगेगा और सॉटे करने के बाद तो और टेस्टी लगेगा। मैं दो तरीके से पकौड़ी को बनाई हूँ, तो आपको कौन पसंद आया है इसको ज़रूर बताइएगा। और जो बचा हुआ बेसन था ना, उसमें पानी डाल के और थोड़ा सा और बेसन डाल के इसका पतला घोल तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसका घोल तैयार करूँगी। ये पहले से चटपटा है इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्ची और मसाले नहीं डाले हैं। अब पैन रखते हैं गैस पे और इसमें डालेंगे 3 स्पून ऑयल और थोड़ी सी सफ़ेद वाली तिल और हरी मिर्ची। तिल को चटक जाने देंगे, उसके बाद डालेंगे पॉइल जो हमारा पतौड़ है उसको, और इसको गोल्डन होने तक उलट पलट करके सॉटे कर लेंगे। देखिए गोल्डन हो गया है, इसको निकाल लेंगे पैन से बाहर और सर्व करने के लिए पकौड़ियाँ तैयार हैं। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ी बन के तैयार हुआ है बिना ऑयल का। और दूसरी वाली जो पकौड़ी है उसको बेसन में डिप करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो एक तरफ अच्छे से गोल्डन हो गया है, दूसरी तरफ इसको हमने पलट दिया। देखें पकौड़ियाँ तैयार है, इसको निकाल लेंगे प्लेट में। हमारी पकौड़ी सर्व करने के लिए रेडी है और अंदर से देखिए कितना सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।